नमस्कार, मैं रवीना एमएस न्यूज़लाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्राइम से खबरें। युवती की हत्या के बाद बोरे में बंधकर नहर में फेंकी लाश, नई हुई शिनाखत। फतेहपुर सिकरी के गांव में मसेलिया और रोजोली के बीच बहने वाली नहर में शुक्रवार शाम को एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव बोरे में बांध कर फेंका गया था। माना जा रहा है कि शव कहीं से बहकर आया है। शव कई दिन पुराना लग रहा है, उसकी पहचान भी अभी तक नहीं हो पाई है। लग रहा है कि उसकी हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया गया हो। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। रिश्तों में कत्ल, बेटे ने ही पीट पीट कर पिता को उतारा मौत के घाट। खेती पर ध्यान देने को कहने पर दी इस वारदात को अंजाम। गांव डूडी वाला किशनपुरा में बेटे ने सरिये से पीट पीट कर पिता को ही मौत के घाट उतार डाला। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया गया है। मृतक की पत्नी की शिकायत पर अपने बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। मृतक के पूरे शरीर में चोट के निशान भी पाए गए हैं। पुलिस के अनुसार रात 10 बजे सूचना मिली थी कि डूडीवाला किशनपुरा में निवासी कृष्ण 60 वर्ष बताई जा रही है। घर पर मृतक की पत्नी कौशल्या देवी और अन्य ग्रामीण मिले थे। AIS प्रवीण कुमार के अनुसार जब मृतक की पत्नी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि दोपहर 2 बजे उसका छोटा बेटा विजेंद्र 22 साल का घर पर आया था। उसके पिता कृष्ण ने उसे खेती पर ध्यान देने को कहा था। इसी दौरान इससे नाराज होकर विजेंद्र ने अपने पिता को ही मौत के घाट उतार डाला। 6 वर्षीय बच्ची की हत्या कर रेप करने वाले पड़ोसी के 7 वर्षीय बेटे ने उसे पकड़वाया। 6 वर्षीय बच्ची की हत्या कर रेप करने वाले पड़ोसी के 7 वर्षीय बेटे ने उसे पकड़वाया। हरिद्वार उत्तराखंड के पुलिस ने एक 28 वर्षीय शख्स को उसके ही गांव में रहने वाली 6 वर्षीय बच्ची की हत्या और उसके बाद रेप करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि बच्ची गांव के बच्चों के साथ खेल रही थी, जिसमें आरोपी का 7 वर्षीय बेटा भी शामिल था, जिसने मामलों को अहम सुराग दिए थे। MNS न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए